दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। आज जो एक्सरसाइज करेंगे उससे पैल्विक मसल्स मजबूत होती हैं। पैल्विक मसल्स जिनकी मजबूत नहीं होती हैं उन्हें मलमूत्र यानी पी और पू को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम्स होती है या गैस को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम्स होती है। ये तब प्रॉब्लम्स आती हैं जब पैल्विक मसल्स कमज़ोर पड़ जाती हैं। एज फैक्टर भी होता है, जब उम्र बढ़ती जाती है तो पैल्विक मसल्स कमज़ोर होती है, या फिर जो लेडीज़ जिनके डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद ये मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। इससे जो मलमूत्र होता है उसे कंट्रोल करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर कहीं पे भी गैस बिना कंट्रोल किए ही निकल जाती है। तो ये पैल्विक मसल्स के कमज़ोर होने की वजह से होता है। तो कैसे पैल्विक मसल्स को मजबूत किया जाए, फ्लेक्सिबल किया जाए, वही एक्सरसाइज है। क्योंकि ये पैल्विक मसल्स एब्डोमेंस के नीचे की साइड और हिप के बीच में होती है। इसमें गॉल ब्लैडर और रेक्टम भी इसमें अटैच होता है। इसलिए जब मलमूत्र की प्रॉब्लम्स आती हैं तो इसी की वजह से आती हैं, जब पैल्विक मसल्स कमज़ोर होते हैं। तो इसको कैसे मजबूत किया जाता है, जो ये मसल्स होती हैं और उन्हें कैसे फ्लेक्सिबल किया जाता है, वही एक्सरसाइज करेंगे। चलिए देख लेते हैं। पहली एक्सरसाइज है बटरफ्लाई की तरह पोज बनाना। पहले दोनों पैर सीधे लाने हैं और फिर एक एक करके इधर की साइड और ऐसे लेके आना है और ऐसे बटरफ्लाई की तरह इसे करना है। आसान है, एक दो मिनट तक करिए, इससे मसल्स मजबूत और फ्लेक्सिबल होंगी। अब जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें आपको इस प्रकार से बॉडी को इस प्रकार से लेके आना है और ये हाथों को और पैरों को इस प्रकार से लेके आना है और अपनी पीठ को ऊपर की साइड उठाना है इस प्रकार से। इससे आपके यहाँ पे जोर पड़ता है जिससे पैल्विक मसल्स मजबूत होती हैं। तीस से चालीस सेकंड सही है बिगनर्स के लिए, और प्रैक्टिस होती जाती है तो एक दो मिनट करिए डेली। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि पैरों को इस प्रकार से मिलाना है और फिर इस प्रकार से ऊपर को लेके आना है। पचास सेकंड से एक मिनट तक डेली करिए। जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर ले जाइए, इससे पीठ में भी जो स्ट्रेच पड़ता है मजबूत होता है, पीठ का दर्द भी इससे कम होता है। जिनके वो पीठ की प्रॉब्लम्स हैं या लोअर, उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है। और इस प्रकार से करिए। और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें इस प्रकार दोनों पैरों को फैलाइए और टो को टच करिए ऐसे। इस प्रकार से जितना नीचे तक झुक सकते हैं उतना नीचे तक झुकिए।
अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो डॉग बर्ड पोज है। डॉग बर्ड इस प्रकार से पोज बनाइए और एक हाथ को इस प्रकार उसका जो अपोजिट डायरेक्शन में जो लेग उसे ऊपर उठाइए 30 से 40 सेकंड। स्ट्रेट होना चाहिए, इसी प्रकार दूसरा जो हैंड है और उसका अपोजिट लेग। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको नीचे की साइड ऐसे करना है ऐसे, और अपने हाथों को इस प्रकार से लेके आना है और पैरों को एक पैर को ऐसे उठाना है। स्ट्रेच पड़ता है एब्डोमेन में, इसी प्रकार दूसरा पैर भी ऐसे उठाइए। जो मसल्स होती हैं फ्लेक्सिबल होती हैं और मजबूत बनती हैं, जिससे पी और पू कंट्रोल करने में मदद मिलती है, या जो कंट्रोल नहीं कर पाते गैस को कहीं पे भी, तो उसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको इस प्रकार से हाफ सर्कल की तरह बनाना है, चालीस से पचास सेकंड डेली करिए। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज उसमें आप इस प्रकार से प्लैंक पोजीशन में आइए और एक पैर को आगे ले जाइए और एक पैर सीधा होना चाहिए ऐसे, पिजन पोज कहते हैं कबूतर की तरह, क्योंकि स्ट्रेच इधर की साइड पड़ता है नीचे हिप में और जो पैल्विक मसल्स या पैल्विक आपकी बोन्स होती हैं हिप के एब्डोमेन के नीचे और हिप के बीच में बिटवीन होती है, तो इससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच पड़ता है इधर की साइड। और बिल्कुल जितना स्ट्रेट हो सके उतना स्ट्रेट आइए, देखा गया है कि जब महिलाओं की या लेडीज़ की जब डिलीवरी होने के बाद उनकी पैल्विक मसल्स बहुत कमज़ोर पड़ जाती हैं और गैस वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कहीं पे भी गैस निकल जाती है, तो उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिससे पैल्विक मसल्स मजबूत और फ्लेक्सिबल्स होती हैं। इस प्रकार से लेके आइए पिजन पोज में, तो ये एक्सरसाइज बेनिफिशियल्स हैं आपके जो पैल्विक मसल्स होंगी उनको फ्लेक्सिबल और मजबूत करेंगी, जिससे मल मूत्र या गैस को कंट्रोल करने में भी ये बहुत सहायक होंगी।
क्योंकि अगर पैलिक मसल्स मजबूत होती हैं तो गॉल ब्लैडर और रेक्टम से को ये अटैच होती हैं, ये जो पैलिक मसल्स, तो इसी को ये कंट्रोल करती हैं और पी और पू को आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, या गैस जिसको कंट्रोल नहीं हो पा रही है कहीं पे भी बिना कंट्रोल के ही निकल जाती है, तो उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत बेनिफिशियल है। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। धन्यवाद।